अहमदाबाद के एक समागम में रविवार को स्थानीय होटल में पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद हर्षनम्रित कौर बादल ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के आने से कांग्रेस कॉमेडी शो बन चुकी है। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सिर्फ फोटोशूट मंत्री हैं, मुंबई से सोनी टीवी वाले आकर कांग्रेस पर सीरियल बनाए। सांसद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि 4.5 वर्ष तक कांग्रेस सरकार ने पंजाब के लिए कुछ नहीं किया और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को बादलों के साथ साठगांठ होने का बहाना बनाकर कुर्सी से उतार दिया गया है। अब नए मुख्यमंत्री प्रदेश के लिए काम करने के बजाय अपना फोटोशूट करवाकर सिर्फ सोशल मीडिया और विज्ञापन तक सीमित रह गए हैं। इसे प्रदेश की जनता पिस रही है। वहीं बता दें कि हरसिमरत कौर ने कहा है कि पंजाब में कांग्रेस सरकार के राज्य में मंडियों से किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही है। इसके अलावा जिन किसानों की फसल गुलाबी सुंडी से बर्बाद हुई उनको अभी तक कोई मुआवजा भी नहीं जारी किया गया है। प्रधानमंत्री योजना के तहत जिन गरीब लोगों का उपचार होता था वे भी सरकार से पैसे न मिलने के कारण बंद हो गया है। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल अपने शहर में ही फॉलिंग नहीं करवा पा रहे हैं, जिस कारण शहर के हर घर में व्यक्ति बुखार एवं डेंगू पीड़ित हो रहा है। कांग्रेस अब अंदरूनी कलह के कारण मजाक बनकर रह गई है। लोग 2022 के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।